नमाज के अंदर चंद चीजें मकरूह भी है। एक मकरूह तो यह है कि दाएं बाएं नजरों को घुमा कर इधर उधर नजारा करते हुए हाँ देखते हुए नमाज पढ़ना मकरूह है, यानी मुब्तलात मुकम्मल अल्लाह का एहसान खत्म हो गया। अब कैसा खत्म हो गया अल्लाह जान के, पढ़ के खत्म हो गया, फाड़ के खत्म हो गया अल्लाह जान के। मुब्तलात नमाज खत्म, मकरूहात नमाज। नंबर एक, चेहरा जो है मामूली क़िबला से आगे पीछे, जैसे पहले बताया था, चेहरा जो है क़िबला से मामूली दाएं बाएं करना मकरूह है। नंबर दो, आंखें बंद करके नमाज पढ़ना, ये तो इमला का है पढ़ो पढ़ो। सर जो है चेहरा से थोड़ा यूं यूं, चेहरा जो है क़िबला से यूं थोड़ा थोड़ा मोड़ना मोड़ना इधर उधर मकरूह है। मकरूह का मतलब सवाब कम होता है, चेहरे को दाएं बाएं करना ज्यादा नहीं करनी, थोड़ा सा मकरूह है। आंखें बंद करना मकरूह है। पहले चेहरे की बात थी, अभी आंख की बात है। आंख जो है दाएं बाएं घुमाना, चेहरा नहीं घुमा रहे, आंखों को ठीक ठाक घुमाता है, तो ये तो मकरूह है जना, मकरूह है। मकरूह सवाब कम होता, सब मकरूह है, बस एक दफा लिख दिया वो अलग मकरूह है। आंखें बंद करना नमाज के अंदर मकरूह है, और इसी तरीके से नमाज के अंदर दाएं बाएं इधर उधर आंखों से देखना, पहले चेहरा यूं घुमाना अभी आंखें घुमाना मकरूह है। इसी तरीके से तस्बीह एक तो होता है, तस्बीह के दाने को लेते हैं कुल हुवल्लाह की गिनती के लिए, एक खामखा तस्बीह घुमाना, दाढ़ी से खेलना, अपने अंगुली से खेलना, अंगूठी से खेलना, यानी किसी चीज से खेलना, खेलना समझते हैं ना, ऐसा ऐसे बाजी करना खेलना। अच्छा, इसी तरीके से हाँ चौथा है या पांचवा जो भी हो, अंगुलियां जो है एक दूसरे के साथ इस तरीके से जो सुस्ती निकालने के लिए हाँ अंगुलियां जो एक दूसरे के अंदर दाखिल करके इस तरह करते रहते हैं, ये मकरूह है, नमाज बातिल नहीं है, नमाज बातिल नहीं है, मकरूह है। इसी तरीके से थूकना थूक जो है फेंकना मकरूह है। और क्या है, किसी तहरीर को पढ़ना नमाज के अंदर, किसी भी तहरीर को चाहे कुरान हो उसको पढ़ना मकरूह है, लेकिन नमाज मुस्तहब के अंदर जो है मकरूह नहीं है। अगर कोई सूरह याद नहीं है तो हम देख के पढ़ सकते हैं। किसी भी तहरीर को पढ़ना, चाहे कुरान हो, कुरान की आयत सामने लिखी हुई हो, या कोई और इबारा लिखी हुई हो, या अंगुश्तरी पर कोई तहरीर हो, उसको देखना मकरूह है। हाँ जी, मकरूह है सब सब। मुस्ताब नमाज में देख के पढ़ना इश्काल नहीं है, वाजिब नमाज में देख के पढ़ना खुद नमाज में इश्काल पैदा करता है। हो अच्छा जी जी, वाजिब नमाज में एहतियातन नहीं पढ़ना चाहिए, वो मुश्तैक का मुख्तलिफ उनकी मसला है। अच्छा, किसी की बात सुनने के लिए अलहम को रोक देना, सूर्य को अलहम रोक के आराम से इधर सुन रहे क्यों क्या बोल रहे, मकरूह है ऐसा करना। समझ रहा था, नमाज पढ़ते वक्त तवज्जो उधर होना चाहिए, ये लोग क्या कहते हैं वो सब नमाज के अंदर सुन रहा है शेख नसरुद्दीन की तरह। वो नमाज पढ़ रहा था, अभी किसी ने आके कह दिया कि ये मुल्ला नसरुद्दीन है, मौलाना भी है, ये भी है, ये नमाजी भी है, हाजी भी है, बोला तो नमाज तोड़ के कहते हैं मैं मेरा रोजा भी है, कहते ऐसा बात है सब सुनते उसको पता नहीं था कि रोजा भी इसका, तो नमाज तोड़ के बोलते मेरा रोजा भी है। हो बातें सुनने के लिए जो है अलहम सूरे को काट के इंतजार में बैठने की क्या कह रहा है मकरूह है। कोई भी ऐसा काम जिससे इंसान के हुजूर खुशू में कमी हो, कोई भी ऐसा काम नमाज के अंदर मुतलकन मकरूह है। अच्छा आगे, अच्छा इंसान जो है मिसाल के तौर पर बाथरूम जाने की बहुत ज्यादा शिद्दत से जरूरत है, ये वजू करने में सुस्ती कर रहा है, जाकर नमाज पढ़ो, जल्दी उसे नमाज पढ़ो फिर वॉशरूम जाऊं, मकरूह है, मकरूह है। रफ हाजत के लिए जाए बगैर डायरेक्ट जाकर नमाज पढ़ना। अच्छा, इसी तरीके से बहुत ज्यादा नींद आ रही है, नमाज पढ़ना मकरूह है। इसी तरीके से ऐसा जुराब पहनना जिसकी वजह से पांव के अंदर बहुत ज्यादा फिशार है, पांव को बहुत ज्यादा दबा रहा है, तवज्जो हटा रहा है, ऐसा जुराब पहन के नमाज पढ़ना मकरूह है। आपने जो बोला कि आपने
कोई भी तहरीर, कोई भी तहरीर सामने रखना मकरूह है। जैसे कि दुआएं होती हैं, हाँ उसको उसको ऊपर करके रख दे, जैसे जगह पे लिखा हुआ होता है उसको उल्टा करके रख दे। जैसे कोई दुआ होती है जो नमाज शब में, जैसे कि कोई दुआ है तो उससे पहले ही दुआ पढ़ना नहीं आता। सही सही, उसको देख के पढ़, हाँ हाँ उसको देख के पढ़ सकते हैं मालूम है। नहीं मकरूह नहीं है, मकरूह का माना तो समझ में आए ना कि अगर 100 सवाब है तो 100 नहीं मिलता है, 90 मिलता है, 95 मिलता है, यूं मतलब है। मकरूह का मतलब बिल्कुल माइनस नहीं है। सामने कोई आदमी सोया हुआ है उसकी तरफ रुख करके नमाज मकरूह है, दरवाजा खुला हुआ है मकरूह है, सामने जो है खिड़की खुली हुई है मकरूह है, सामने से लोग चल रहे हैं मकरूह है। हाँ जानवर वगैरह की तस्वीरें या इंसानों की तस्वीर लगी हुई हो मकरूह है, सामने हो तो ज्यादा मकरूह है, कमरे में है तो कम मकरूह है, कोई भी जानदार कपड़े पर हो, शर्ट पर हो, कमरे में हो, मकरूह है ये सब का सब, बहुत ज्यादा है मकरूह। तो इतने ज्यादा है सियाह पहन के अय्याम आज़ा के अलावा सियाह लिबास पहन के नमाज पढ़ना मकरूह है, अमामा मकरूह नहीं है, अबा मकरूह नहीं है, एक आम लिबास जो लिबास है वो जो है मकरूह है। जी हाँ अय्याम आज़ा में हर्ज नहीं है, बताया तुम ये उसमें आता है, हर वो चीज़ जो इंसान के खुशू खुशू के लिए खिलल करने वाली हो सब का सब मकरूह है।